स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वेल स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। एंड टुडे वी कंटिन्यूइंग कंप्लीटिंग चैप्टर 11। सो लेट अस स्टार्ट एंड गो अहेड। वर्ड प्रॉब्लम्स, सो मैं कौन सा है हमारे स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, पढ़ना है हमें और करना है। शॉपकीपर हैज़ डन 50 kg 500 g ऑफ राइस एंड सेल 75 kg एंड 750 g। हाउ मच राइस विल बी लेफ्ट? अगर कोई शॉपकीपर 150 kg 500 g राइस सेल कर लाता है, मतलब खरीदा उसने, और 75 kg 50 g वो सेल किया उसने, तो हाउ मच राइस विल बी लेफ्ट? अगर पूछा जाए कितना बचेगा, तो आपको बोलना लेफ्ट मतलब सब्सट्रैक्ट करना, कितना मतलब कितना बचा टोटल में से, तो माइनस करेंगे। देखिए देखा kg और ग्राम अलग लिखेंगे, फिर 150 kg 500 g, ठीक है, मतलब kg ग्राम, तो 150 500 75 750। तो यहाँ पर ही देखिएगा, यही देखिएगा, ठीक। तो 500 क्योंकि हमारा 700 से छोटा है, मतलब 700 में बड़ा है हमारा, तो सब्ट्रैक्ट तो होगा ही। तो हम इस तो 150 से हम 1 kg लेंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 149 बचा, और 150 ने 1 kg 500 को दे दिया, तो 1 kg ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 आएगा। 1000 माइनस 5000 आया, तो 1000 क्योंकि हमको kg में माइनस कर सकते, 1 kg माइनस 750 ग्राम नहीं हो सकता। जब तक यूनिट सेम नहीं होंगी तब तक हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो 1000 प्लस 500 माइनस, ठीक है, तो 1500 आया, फिर माइनस 750 करेंगे, ठीक। तो सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे, 1500 माइनस 750 करेंगे तो 750 बचेगा, फिर 150 था, 149 बचा। अब 149 माइनस 75 करिएगा तो हमारा आंसर 74 आएगा। तो आंसर 74 kg 750 g होगा राइस बचे होगा। अ कैन ऑफ मिल्क हैज 20 लीटर 450 ml ऑफ मिल्क। एक कैन के पास, सॉरी, एक मिल्क जो कैन में था, डब्बे में, स्टील का कनस्तर टाइप कह सकते हैं, तो वो 20 लीटर उसमें मिल्क था, और 20 लीटर 450 ml मिल्क था, और दूसरे कैन में 18 लीटर 800 ml था। तो हाउ मच मिल्क इज देयर इन द टू कैन ऑल टुगेदर? तो पूछा जा रहा है कितना मिल्क दोनों को मिलाकर होगा, ठीक है, तो दोनों को ऐड कर लीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। यही क्या है इसमें भी आप देख लीजिए। एट अ स्पीड ऑफ 90 km/h व्हाट डिस्टेंस विल अ ट्रेन कवर इन 2.5 आवर? तो बोल रहा है एट अ स्पीड ऑफ 90 km/h, ट्रेन की स्पीड कितनी थी? 90 km/h। तो बोल रहा है व्हाट डिस्टेंस विल अ ट्रेन कवर, कितना डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगा इन 2.5 आवर में। 2.5 आवर मतलब टू एंड हाफ मतलब क्या होता है? 2 + 1/2, हमने ये पहले ही पढ़ा था, ठीक। तो ऐड कर कितना आएगा? 5/2। सो 5/2 हमारा टाइम है, 5/2, ठीक है, 5/2 आर आ गया हमारा। फिर पूछ के व्हाट डिस्टेंस विल ट्रेन कवर इन 2.5 आवर? इस डिस्टेंस की स्पीड दे रखी है 90 km/h और टाइम दे रखा है 1/2 आवर, ठीक है, ना सॉरी 2.5 आवर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 90 km/h, तो स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखी है, इसका मतलब ट्रेन 1 घंटे में 90 km ट्रैवल कर रहा है, ठीक, 1 घंटे में 90 km ट्रैवल, तो 2 घंटे में कितना ट्रैवल करेगा? लेट मी टेल यू अगेन, ट्रेन 1 आवर में 90 km चल रही है, ठीक, 90 km/h मतलब पर आवर के हिसाब से बता रखा है उन्होंने, पर घंटे 90 km ट्रैवल करती है, तभी तो 90 km/h हुआ। तो 2 घंटे में कितना ट्रैवल करेगी? 90 × 2, ठीक, कितना आया? 180, ठीक। लास्ट अब बोल रहा है हाफ एन आवर में, अगर 1 घंटे में 90 km कवर करती है, एक घंटे में 90 किलोमीटर कवर करती, तो
आधे घंटे में कितना कवर करेगी, 1/2, मतलब आधा घंटा 30/60 करिएगा। मिनट को अगर आप सो आई में सॉरी मिनट को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1 hour इज इक्वल टू 30 मिनट, तो 1 minute इज इक्वल टू 1/60 आर। ठीक, तो 30/60 करेंगे, 30 मिनट को भी आर में कन्वर्ट करना होगा, 30 को आर में तो 60 हुआ, तो 1/2 hour के इक्वल आएगा, 0 0 कैंसिल, 1/2। ठीक, तो हाफ आर में वो कितना कवर करेगी, 90/2, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 45, तो 180। लेट मी गिव यू अगेन, सो 180 हमारा आया था क्योंकि 2 घंटे में 90 किलोमीटर का ट्रैवल कर रहा है, और यहाँ पे तो हमारा 90/2 विच इज़ इक्वल टू 90 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 45 आएगा, तो 180 + 45 कितना आया हमारा, 225 किलोमीटर, तो इतना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा ट्रेन। इफ वन ड्रेस रिक्वायर 3 meter and 5 cm ऑफ क्लॉथ, हाउ मच डू 4 ड्रेस नीड, ये आप खुद ट्राई करिएगा। बोल रहा है अगर 8 ड्रेस को कितना कपड़ा चाहिए, तो 3 meter and 5 meter, ये बोल रहा है कि एक ड्रेस को कितना कितना कपड़ा चाहिए होता है, 3 meter 25 cm एक कपड़े को, किसी को कि कपड़ा फ्रॉक व्रॉक कुर्ता कुछ भी बनाने मिले। ठीक है, तो पूछा 4 ड्रेस में कितना कपड़ा लगेगा, तो सब तो उसको 4 times ऐड कर लो या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लो, डिपेंड करता है। ठीक है, देखो दो लिखे, या फिर 4 times ऐड कर लीजिए या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबसे ईजी मेथड यही होता है, फिर तब मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर रखा, मंजूस मेथड देख लीजिए, ऐड करो 4 बार फिर गुलाम मेथड को मल्टीप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पता है ना 1 meter इक्वल टू 100 centimeter, अगर 100 आएगा तो वहाँ तो क्या कर देंगे हम, दे सकते हैं उसको सेंटीमीटर को मीटर में, तो आ जाएगा 30, यही किया है। सो नेक्स्ट एग्जांपल, इफ अ वायर दैट इज 9 meters 20 centimeter लॉन्ग इसका 5 centimeter ईच, हाउ मेनी पीसेस विल बी मेड, अगर कोई वायर हमने 9 meter 50 centimeter में कट किया है, मतलब 9 meter 50 centimeter में हमने उसको ब्रेक किया है, कितने पीस नहीं पता हमें पीस निकालने हैं, पर हमने हर एक पीस को 5 centimeter कट किया, तो कितने पीसेस आएंगे ये बोल रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कभी कुछ आएगा कि हमें कट हमने कट किया है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम डिवाइड कर लेते हैं, ये वाला मेथड बाद में देखेंगे, ये वाला देखिए पहले। ठीक है, तो देखिए, तो हम 9 meter 50 centimeter है, या हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवीजन और डिवीजन में क्या होता है ये आपको याद रखना है, डिवीजन मल्टीप्लिसिटी सम में, या फिर सबको सेम ईयर में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में रखा तो 9 meter को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए आप, तो 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter। ठीक है, तो 9 meter कितने के इक्वल होगा, 900 centimeter के इक्वल, 50 तो खुद दे रखा है, तो 900 centimeter, आप खुद सोचो 900 centimeter फिर एंड 50 centimeter लिखोगे, उससे आप क्या लिखोगे, 950 centimeter, ये आया, और कितने इंटू ईच पीसेज ऑफ 5 centimeter ईच, और सबको 5 centimeter के पीसेस में कन्वर्ट करना है, तो अब तो आपके पास आ गया 950, तो क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, ईजिली हो जाएगा, तो 950 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये कर सकते हैं आप, तो फिर ये कि 9 meter 50 centimeter हमने कन्वर्ट किया, पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, टू फाइंड हाउ मेनी पीसेज मीटर कैन मेड फ्रॉम वायर 9 to 10, तो डिवीजन ही यूज़ किया, जैसे आप ये कर सकते हैं, आपको आप अगर माइनस करते जाओ, आप हर एक 5 centimeter को 950 से माइनस करोगे तो आप पता चल जाएगा कितना मिलेगा, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया जाता है, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अ प्ले स्टार्टेड एट 6:30 इन द इवनिंग एंड Finish 2¾ hours later. What time did the play get over? ठीक है,
सो प्लेस कब स्टार्ट हुआ था, 6:30, मतलब 6:30 में स्टार्ट हुआ था, इवनिंग इवनिंग मतलब PM ये बीजती के एंड फिनिश 2¾ hours later, और कितने 2.5 घंटे 2:45 में ख़त्म हो गए, 2 hours 45 minutes में ख़त्म हो गया। तो उसको वो पूछा कि कब ख़त्म होगा, तो एग्जैक्ट टाइम पूछा तो आप ऐड कर लीजिए ख़त्म। तो ऐड करने में क्या मिलेगा, 8 hours 75 minutes आपके सत्ते हैं, 9 hours 15 minutes, तो ये आपका एग्जैक्ट टाइमिंग है। द यूनिट फॉर लेंथ मास एंड कैपेसिटी आर रिटन इन डेसिमल फॉर्म, दिस मेक्स इट इज इजी टू कैरी योर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ मास एंड कैपेसिटी। वन ऑफ द थिंग दे हैव टोल्ड यू कि यूनिट जो होंगी जैसे कि लेंथ मास कैपेसिटी को आप डेसिमल फॉर्म में देखिएगा, लिखा जाता है डेसिमल फॉर्म में, क्यों, क्योंकि क्या करता है ये आपकी कैलकुलेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है लेंथ मास कैपेसिटी का बहुत ईजी करता है। डेसिमल फॉर्म में करिएगा आपको को लगेगा ही नहीं कि हम इतने जिस क्वेश्चन कहे थे ना कि 1 liter ले लो 1 meter ले लो, नहीं, उस डेसिमल फॉर्म से और इजी हो जाता है। यू द मेजरिंग टाइम आर नॉट इन डेसिमल फॉर्म, पर हम टाइम को कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं लेते। इट इज़ अ लिटिल मोर डिफिकल्ट टू कैरी आउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ दोस, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमें सब कैरी आउट करना, ये टाइम को कभी भी आप डेसिमल में नहीं लेते हैं। ओके फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर फादर इज फॉर हिज बॉडी हैज एंड गिव 20 liter 450 ml मिल्क द चिल्ड्रन इन एन आश्रम मिला एंड 28 liter 800 ml। सो अजय ये तो हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें क्या था, तो अजय 20 liter 450 ml मिल्क चिल्ड्रन को दिया और 28 liter 800 ml ऑर्फनेज में दिया, आश्रम में और एक ऑर्फनेज में, तो उसने कितना मिल्क डोनेट किया, ऐड कर देंगे खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ वन शर्ट नीड 2 meter 50 cm ऑफ क्लोथ, हाउ मच क्लोथ डू वी नीड फॉर 5 shirts, अगर एक शर्ट को बनने के लिए 2 meter 50 cm क्लोथ चाहिए, कपड़ा चाहिए है, तो 5 shirts के लिए कितना कपड़ा चाहिए होगा। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करिए, 5 बार ऐड करने से अच्छा है 5 बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर सेम ही आएगा, आप खुद भी करके ट्राई करिएगा। ठीक है, इफ अ कार ट्रैवल 60 km इन एन आवर, हाउ फार इट विल ट्रैवल इन 2 hours 15 minutes, हाफ एन आवर, 3.5 hours। सो अगर बोल रहा है कार ट्रैवल करती है 60 km इन ए आवर, 1 घंटे में 60 km ट्रैवल करती है, तो वो 2 घंटे में कितना ट्रैवल करेगी, फिर मल्टीप्लाई फिर 2। ठीक है, सो 1 मिनट, 1 घंटे में 60 km, ठीक है, 15 मिनट पूछा है, ठीक है, हमें पता है 1 hour is equal to 60 minutes, 1 minute is equal to 1/60 hours, ठीक, 15 मिनट पूछा है, 15 मिनट में कितना ट्रैवल करेंगे, 15 मिनट्स को हम आर में कन्वर्ट कर लें, तो 15/60 आर्स आ गया हमारा। तो अगर 1 घंटे में 60 km ट्रैवल करती है, तो 15 मिनट में कितना ट्रैवल किया उसने, 15 मिनट कितना ट्रैवल किया, 15/60 hours कर देंगे हम, तो 15/60 hours = 60 km, तो 60 into 15/60 हमारा आंसर आ जाएगा, तो ठीक है, 15 km ट्रैवल करेगा। ठीक है क्लास, थर्ड क्वेश्चन देखिए, बबुल गॉन यूज 21,250 liters ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर इन द फील्ड, समवस्ता यूज 31,350 liters ऑफ सिमिलर वाटर, हाउ मच ट्रीटेड वेस्ट वाटर वॉज यूज इन ऑल, तो दोनों को ऐड करना है क्योंकि टोटल पूछा गया है, बाकी आप खुद भी ट्राई करिएगा क्लास। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड प्रिपेयर द टोटल बिल, आपको बिल प्रिपेयर करना है, तो रेट ये देखिए इसमें पूछा गया है रेट पर के जी, ठीक, इसका मतलब 1 kg
का रेट है शुगर का देखिए 1 kg का रेट है 32 रुपीज़। तो 2.5 कितना हुआ, 2.5 kg इज इक्वल टू 2.5 इंटू 32। ठीक, ये है, इसको मल्टीप्लाई करिएगा क्योंकि 1 kg 32 रुपीज़ का है, 2.5 कितना होगा सेम। तो ठीक है, वैसे यहाँ देखिए राइस का देखिए, राइस का कितना है, 1 kg राइस की कॉस्ट इतनी है 35 रुपीज़। तो 4 kg कितनी होगी, 4 × 35 रुपीज़, तो वो कॉस्ट हो जाएगी, ये कॉस्ट हो जाएगी, ये कॉस्ट है। ठीक है, सो बाकी खुद ट्राई करिएगा, ये एक्टिविटी दे रखी है। यू हैव 1 kg पोटैटो, 1 kg आपके पोटैटो है, फाइंड आउट व्हाट विच अदर इंग्रेडिएंट यू विल नीड टू मेक पोटैटो वड़ास, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच ऑफ ईच इंग्रेडिएंट यू विल नीड। ठीक है, तो आपको कौन कौन सी इंग्रेडिएंट चीज़ें चाहिए हैं मैं पकौड़ा वड़ास बनाने के लिए, और कितनी चीज़ें, कितने अप्रॉक्सीमेटली कितना चाहिए, मतलब जैसे कितना, 1 kg अगर तेल चाहिए तो 1 लीटर ऐसे चलना है। ऑल्सो फाइंड आउट अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच ईच इंग्रेडिएंट विल कॉस्ट एंड हाउ मनी वड़ास यू विल बी एबल टू मेक। आपको भी पूछ बताना है कि कितने पैसे लगेंगे, कितना कॉस्ट होगा, कितने वड़ास बनेंगे आपके। फिक्स द 1 meter लॉन्ग स्टिक इन एन ओपन फील्ड, एक स्टिक को फिक्स करिएगा ओपन, मतलब खुला हुआ होना चाहिए जगह। मेजर द शेडो ऑफ स्टिक एट 9 AM, 9 बजे वो जो स्टिक आप एक लकड़ी लगाइएगा 1 meter लॉन्ग, ठीक है, उसको मैंने डाला दी, फिर उसकी 9 बजे आपने मेजर किया कितना शेडो आ रही है, ठीक है, सुबह, फिर 12 बजे जाएंगे नून, फिर देखेंगे शेडो, फिर 3 बजे, फिर 5 बजे। सो ऑब्जर्व एट विच टाइम ऑफ द डे द शेडो इज शॉर्टेस्ट एंड एट व्हाट टाइम इट इज लॉन्गेस्ट, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कब शेडो सबसे ज़्यादा थी और कब शेडो सबसे कम थी। मेजर द लेंथ ऑफ ए पेन रिफिल, और ऐसे ही आप एक तीसरी एक्टिविटी क्या है, आपको पेन रिफिल की लेंथ मेजर करनी है, पेन की जो पेन होती है उसकी लेंथ मेजर करनी है। सो थैंक यू क्लास।